छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ के पानी में डूबे 40 मकान। पानी भरने की वजह से सैकड़ों ग्रामीण हुए बेघर। बाढ़ में फंसी एक बीमार महिला की मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना भारी में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। एक घंटे की बारिश से पानी हुआ शहर। आम जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बरसाती नाले में बहकर आया मलबा। हाईवे के ऊपर से बहने लगा पानी और मलबा। सड़क का मलबे का ढेर लगने से वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है वायुसेना। एयरफोर्स के विमानों ने सौड़ आने की पूरी। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं जवान। हिमाचल के रामपुर में भारी लैंडस्लाइड से घरों में दरार। लगातार मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों की बड़ी दिक्कत। जोशीमठ में लामबड़ के पास बरसाती नाले से गिर रहे हैं पत्थर। लैंडस्लाइड की वजह से हो रही आवाजाही में परेशानी। रोड से आवाजाही करने वाले चारधाम यात्री परेशान। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा। बद्रीनाथ जाने वाले यात्री परेशान। बारिश की वजह से लगातार दरक रही है पहाड़ी। हिमाचल में कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें। बारिश से फिर से उफान पर नदी नाले। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। गुजरात के मोरबी में डैम हुआ ओवरफ्लो। भारी बारिश की वजह से डैम से लगते इलाके में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। उत्तराखंड के बड़कोट में भारी लैंडस्लाइड। यमुनोत्री हाईवे हुआ बंद। सड़क पर टूटकर गिरा पहाड़ का हिस्सा। वाहनों की आवाजाही बंद। हिंडन नदी में पानी बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों की दीवारें भी टूटी। यूपी के उन्नाव में गंगा नहाने गए दो युवक डूबे। दोनों के शव नदी से निकाले गए। युवकों की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मचा कोहराम। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने खुद लिया है मामले का संज्ञान। केंद्र ने मामले को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की अपील। मणिपुर का जायजा लेकर दिल्ली लौटे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी को तुरंत करना चाहिए हिंसाग्रस्त राज्यों का दौरा। वहां के हालात है चिंताजनक। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लगाए आरोप राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही मणिपुर के लिए नहीं उठाया कोई भी बड़ा कदम। लोगों को नहीं मिल रहा है खाना। अस्पतालों के हालात भी हैं बदतर। विपक्षी दलों के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आज संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले और अपने अनुभव को साझा करें मणिपुर से लौटे सांसद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी मणिपुर हिंसा के खिलाफ आज पेश होगा निंदा प्रस्ताव। हालात बिगड़ने के लिए टीएमसी ने बीजेपी की सरकार पर लगाए आरोप। बीजेपी करेगी प्रस्ताव का विरोध। मणिपुर में इंडिया सांसदों के दौरे को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने बताया सियासी द्वारा। बोले पश्चिम बंगाल भी आए विपक्षी सांसद। मालदा और कूच बिहार में हिंसा पीड़ितों से करें मुलाकात। मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। कोलकाता में टीएमसी युवा मोर्चा ने निकाली प्रोटेस्ट रैली। हुगली में निकाला कैंडल मार्च। राज्य में जल्द शांति बहाली की मांग। मणिपुर हिंसा के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ विरोध प्रदर्शन। कुकी समुदाय के कैंडल मार्च में शामिल हुए सैकड़ों लोग। मणिपुर सरकार से दोषियों को सजा दिलाने की अपील मांग की है। पीएम मोदी आज से 10 अगस्त तक एनडीए के सभी 430 सांसदों के साथ करेंगे संवाद। अलग अलग ग्रुप में बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम लेंगे सांसदों से फीडबैक। जीत का भी देंगे मंत्र। पीएम मोदी आज शाम करेंगे यूपी के 42 सांसदों से मुलाकात। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। संजीव बालियान के साथ बीएल वर्मा करेंगे मेजबानी। पश्चिम बंगाल झारखंड ओडिशा के 41 सांसदों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। इस बैठक में अमित शाह राजनाथ सिंह भी लेंगे हिस्सा। धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर करेंगे मेजबानी। इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प सम्मेलन में बोले अमित शाह पूरे देश में पार्टी का सबसे अच्छा संगठन मध्य प्रदेश में है। यहाँ के बूथ कार्यकर्ता की करते हैं जीत सुनिश्चित। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लटका रही थी कांग्रेस। मोदी सरकार बनने के बाद खुला रास्ता। विदेशों में भी लगते हैं पीएम मोदी के नारे। राहुल गांधी पर बोले दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी संवेदनशील इंसान और चिंतक है। उनसे किसी भी मुद्दे पर की जा सकती है बात। राहुल गांधी को पावर पॉलिटिक्स में नहीं है कोई रुचि। पीएम मोदी के क्विट इंडिया वाले बयान पर लालू यादव का जवाब। आगामी चुनाव में बीजेपी कर रही है क्विट। विपक्षी दलों से अपील की आपसी भेदभाव को भुलाकर बीजेपी को हराना ही रहे मकसद।
बिहार के आजमपुर लोकसभा सीट को लेकर जारी घमासान पर बोले चिराग पासवान, चाचा पशुपति पारस को है कोई आपत्ति तो एनडीए फोरम में करे बात, बाहर बयान देकर न तोड़े गठबंधन धर्म। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार चाहें भी तो एनडीए में वापसी मुमकिन नहीं, वो बन चुके हैं बोझ, आरजेडी भी बहुत दिनों तक नहीं ढो पाएगी नीतीश कुमार। बिहार में मुसलमानों का समर्थन जुटाने के लिए 1 अगस्त से जेडीयू शुरू करेगी भाईचारा यात्रा, 6 दिसंबर तक 3 चरणों में चलने वाली यात्रा की अगुवाई करेंगे जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर। कटिहार फायरिंग को लेकर बिहार में कांग्रेस कोटे के मंत्री अफाक आलम ने सरकार पर उठाए सवाल, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग प्रशासन की नाकामी, नीतीश कुमार दें उचित मुआवजा। कटिहार पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मिली बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, सरकार से हर पीड़ित परिवार को 25 लाख के मुआवजे और एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बिहार के बेतिया से नाबालिग लड़की के अपहरण पर बीजेपी ने उठाए सवाल, 6 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का पता नहीं, पुलिस ने किया है 2 आरोपियों को गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। यूपी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बोला हमला, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, राज्य में किसान युवा और मजदूरों को नहीं मिल रहा है उनका हक। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष ने किया दावा, लोकसभा में राज्य के सभी 21 सीटें जीतेगी भाजपा, राज्य में चल रही है पटनायक सरकार विरोधी लहर, 2024 में बीजेपी बनाएगी ओडिशा में सरकार। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया दावा, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या बीजेपी ही कर सकती है दूर, केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में हर साल दे रही है 10 लाख नौकरियां। पीएम मोदी को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित, समारोह में शरद पवार होंगे मुख्य अतिथि, दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम पुणे में मेट्रो ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम, पीएम आवास योजना के तहत बने 1280 से अधिक घरों की सौंपेंगे चाबी। मुंबई में आपस में भिड़े शिवसेना के दोनों गुटों के कार्यकर्ता, उद्धव गुट के शाखा के सामने शिंदे गुट के कार्यकर्ता कर रहे थे डांस और इसी पर हुआ बवाल, पुलिस ने शांत कराया मामला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को ईमेल से मिली धमकी, सतारा पुलिस ने दर्ज किया केस, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में चव्हाण ने की थी संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस ने राहुल गांधी को कहा जननायक, ट्वीट करके कहा जननायक ने जो वादा किया उसे निभाया, राहुल ने हरियाणा की महिला को इलाज कराने का वादा किया था, महिला की आंखों की रोशनी लूटी। पश्चिम बंगाल नदिया जिले में तालाब से बरामद की गई 2 मट पेटियां, टीएमसी ने लगाया आरोप, पंचायत चुनाव के दौरान लेफ्ट फ्रंट समर्थकों ने लूटी थी मट पेटियां, सीपीएम ने आरोपों को किया खारिज। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए हो सकता है सर्वे, इस मामले में 3 अगस्त को हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। हरियाणा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर गहराया विवाद, राजपूत सभा ने 10 सितंबर में कैथल में राजपूत महाकुंभ का किया ऐलान, मामले के समाधान के लिए 3 कमेटियां भी बनाई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा कि यूसीसी पर लॉ कमीशन को भेजी गई एप्लीकेशन में 90% यूसीसी के खिलाफ, विधि आयोग ने मांगे थे लोगों से सुझाव। दिल्ली नगर निगम का सत्र आज, दिल्ली में बाढ़ और उसके बाद बीमारी से जूझ रहे हैं लोगों के लिए कई ऐलान संभव, विकास की कई परियोजनाओं पर भी होगी चर्चा, इससे पहले जून में हुई थी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के ठाणे में कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन में शामिल हुए, मोहन भागवत ने कहा कोरोना महामारी के समय अस्पतालों ने किया काफी अच्छा काम। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत अभी नाजुक है, कोलकाता में एक निजी अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज, अभी भी है वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम। लखनऊ में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ ने देश के प्रसिद्ध मंदिरों के बौद्ध पर मठ होने का किया दावा, आज बुद्धिस्ट संघ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मनोज तिवारी का बयान, राजनीतिक करंट लगने के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक विक्षिप्त हो गए, एक जमाना था कि वो मंत्री थे और आज पार्टी में उनको कोई भी नहीं पूछता। स्वामी प्रसाद मौर्य के धार्मिक स्थलों पर दिए बयान पर केशव मौर्य का ट्वीट, कहा विवादित बयानों की श्रृंखला ही 2024 में सपा के अंत के लिए पर्याप्त है, विवादित बयानों के पीछे अखिलेश यादव की योजना। गाजियाबाद में जीआरपी रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने 111 मोबाइल फोन्स किए रिकवर, पीड़ितों को पुलिस ने थाने में बुलाया, सुपुर्द किए मोबाइल फोन्स, फोन्स पाकर लोगों में खुशी।
यूपी के उन्नाव में 3 साल पहले लापता युवक की पाकिस्तान में मिलने की खबर। पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद है उन्नाव का युवक। युवक की वापसी के लिए शुरू हुई पहल। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन में कार्यकर्ता की मौत का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राव जमीनी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। दिल्ली में आबकारी घोटाले के मामले में आज राव जमीनी कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सजा पर रोक और जमानत दिए जाने पर कोर्ट सुनेगा मुख्तार का पक्ष। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन ने ईडी और सीबीआई के मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग उठाई थी। आजम खान के करीबी रिटायर्ड सीईओ आले हसन खां की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आले हसन के खिलाफ दर्ज है 25 आपराधिक मामले, सभी अर्जियों पर एक साथ होगी सुनवाई। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के दिए दिन मचे बवाल के बाद शांति का माहौल। हिंदू संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। नांगलोई में मुहर्रम जुलूस में हुई झड़प का विरोध। वीएचपी के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का बयान, जुलूस के माध्यम से हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं, आज वीएचपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुणे में पकड़े गए कार चोरों की आतंकी के रूप में हुई पहचान। चारों आतंकियों की एनआईए पिछले 5 साल से कर रही तलाश। आतंकियों के पास से ड्रोन और बम बनाने का सामान बरामद। बरेली में बिना परमिशन के निकाली जा रही थी डीजे के साथ कावड़ यात्रा, पुलिस ने रोकने पर भी नहीं माने कावड़िए। डीएम एसएसपी ने संभाला मोर्चा। बारादरी थाना क्षेत्र का मामला। हरियाणा के रोहतक में आबकारी विभाग और पुलिस की छापेमारी में एक मकान में मिली अवैध शराब। मकान से एक अभियुक्त गिरफ्तार, पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ जारी। राजस्थान के अलवर में रुद्राक्ष माबुल कंपनी मैनेजर को व्हाट्सएप पर रंगदारी की धमकी। धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी पर टिप्पणी करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार। पुलिस कंट्रोल रूम पर कांग्रेस के धरने में शामिल हुआ था युवक। बिहार के पटना में दाह संस्कार में शामिल होने गए युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खाजूकला थाना क्षेत्र खाजूकला घाट का मामला। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने फिल्मी स्टाइल से तोड़ा गेट। कार से हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी पुलिस। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के सेक्टर 61 का मामला। वाराणसी में मुहर्रम के दिन 2 समुदाय में हुआ विवाद। दोनों समुदाय में जमकर हुई मारपीट। जले ईंट पत्थर। मारपीट में 30 से ज्यादा लोग घायल। घायलों ने अस्पताल में कराया गया उनको भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाश विशेष वर्ग की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बनाते थे अपना निशाना। 2 मोबाइल्स भी बरामद। नोएडा में कार लूट के मामले में फरार लुटेरी महिला और उसकी साथी गिरफ्तार। पुलिस ने महिला पर रखा था 20,000 का इनाम। छात्र महिला कई लूट की घटना को दे चुकी है अंजाम। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की खेप पकड़ी। कैंटर में छिपा कर ले जाया जा रहा था गांजा। 45 लाख रुपए बताई जा रही 370 किलो गांजे की कीमत। यूपी के उन्नाव में जीएम के आदेश पर भूमाफिया डॉक्टर नसीम और उसका बेटा फैज गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में डॉक्टर नसीम के सहयोगी बिलाल को भी गिरफ्तार किया। झारखंड के रामगढ़ में बरकाकाना रेलवे जंक्शन से रेलवे पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों का किया रेस्क्यू। मानव तस्करी करके ट्रेन से ले जाई जा रही थी लड़कियां।